Command dear student, in previous session we discussed about the esprit of nationalism in Europe. We also discussed that there were so many hindrances in the path of the esprit of nationalism in Europe. Today's session we will try to understand a new conservatism after 1815. As you know, in 1815, Napoleon was defeated by a combined army of Austria, Britain, Russia, and Prussia. After the defeat of Napoleon, a new order came in Europe, and that was conservatism. Here, conservatism is a political philosophy which stressed predominant institutions of society and politics. So, under this order, some of the new army came into existence, some of the new force came into existence in Europe, and they tried to establish the predominant traditional institution of state and society. And those traditional institutions of society and state were church, social hierarchy, property, and family. नए प्रयास में जो प्रारंभिक इंस्टीट्यूशंस थे जिससे पहले देश चलता था और जो पहले पॉलिटिकल ऑर्डर पे अपना इन्फ्लुएंस रखता था उसको फिर से रिस्टोर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि नेपोलियन के फॉल के बाद एक नए थॉट का जन्म हुआ और इन लोगों का सोच था कि जो प्रारंभिक इंस्टीट्यूशंस थे वही समाज के लिए बेहतरीन थे, नए जो इंस्टीट्यूशंस और नए जो पॉलिटिकल ऑर्डर सेटअप किया जा रहा है ये कतई सही नहीं है, और इसलिए इन लोगों ने पुराने इंस्टीट्यूशंस पे जोर दिया। ठीक है, 1815 में वियना में एक पीस सेटलमेंट हुआ, दे कंबाइंड what representative of many countries like Britain, Prussia, Russia and Austria came and gathered at a point in Vienna. This delegation was meeting was held or hosted by Austrian Duke Metternich. इसको ड्यूक मैटरनिक ने होस्ट किया, उसने कई ये जो वियना सेटलमेंट था, पीस सेटलमेंट था, इससे कुछ नई व्यवस्थाएं वहां स्थापित करने का प्रयास किया गया, जैसे आपको फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति से पहले राजवंश था बोवर्न राजवंश, उसको फिर से स्थापित किया गया, फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए आपको उसके विभिन्न सीमाओं पर नए नए राज्यों का गठन किया गया जिससे कि उसकी सीमाएं आगे नहीं बढ़ें, इसमें आपको नॉर्थ से नीदरलैंड, साउथ से पेडमोंट और ईस्ट से रसिया को और वेस्ट से प्रूसिया को पूर्णतया स्थापित करके फ्रांस के एक्सपेंशन को चेक करने का प्रयास किया गया। तो ये सारे प्रयास जो किए गए उसका मतलब था कि जो प्रारंभिक ये फ्रांस की क्रांति के बाद जो पॉलिटिकल एरेना में चेंजिंग आया था उसको समाप्त करना। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना है
कि हेयर ए न्यू थॉट व्हाट वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल सेटअप इन यूरोप, लेकिन इन लोगों ने जो नेपोलियन के टाइम में जो कुछ बदलाव किए गए, खास करके आपको जो आर्मी को मॉडर्नाइज किया गया, इकोनॉमी को सुधारने के प्रयास किए गए, वेगिंग सिस्टम नया लाया गया आपको, तो इस तरह के चेंजिंग को ये लोग रिस्टोर करके रखना चाहते थे, क्योंकि इनका सोच था कि इस तरह के जो चेंजिंग्स लाए गए हैं इससे जो हायरार्किकल ऑर्डर है, मोनार्की है, वो और भी स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रेंथफुल बनेगा, और इससे को ले करके शासन करना और भी आसान होगा। तो मुख्य रूप से कंजर्वेटिव्स के उद्देश्य थे कि यूरोप में जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी आ रही थी उसको समाप्त करके फिर से आपको मोनार्की की तरफ यूरोप को ले जाना, और जो भी राजवंश शासन कर रहे थे पहले से उसके उसको फिर से रीस्टोर करना, तो ये मुख्य उद्देश्य थे, और इसी उद्देश्य को लेकर के इन लोगों ने काम किया। इसमें कुछ दिनों तक बहुत अधिक इन लोगों को सफलता मिली, लेकिन बाद में फिर से जो लिबरल्स थे उन लोगों ने इसका विरोध किया और कहानी फिर बदली हुई कहानी के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। ओके।